हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर ग्रामर क्लास। ओपन योर बुक एंड इन टुडेस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 9, एडवर्ब्स। ओके, इन प्रीवियस लेक्चर वी डिड दिस चैप्टर नंबर 8। ओके, हमने ये वर्ब पहले किए हैं। वर्ब मीन्स दैट परफॉर्म अ एक्शन, द वर्ड इंडिकेट्स द एक्शन। ओके, दिस आर वर्ब्स। इन वर्ब्स वी डिड ट्रांसिटिव वर्ब, इंट्रांसिटिव वर्ब्स। ओके, वी डिड ऑल दिस। नाउ हियर एडवर्ब्स, एडवर्ब्स आर ऑल्सो रिलेटेड विद द वर्ब्स। ओके, जैसे हमने नाउन्स किए, प्रोनाउंस किए, तो प्रोनाउंस जैसे नाउन की प्लेस पे यूज होते हैं। ओके, वैसे एडजेक्टिव्स हमें नाउन के बारे में कुछ बताते हैं। सिमिलरली एडजेक्टिव्स क्या है, एडजेक्टिव्स हमें वर्ब के बारे में बताते हैं। ओके, लेट्स सी द डेफिनेशन। एन एडवर्ब इज वर्ड दैट एड्स समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब। एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। ओके, एक एडवर्ब एक ऐसा वर्ड है जो एक्स्ट्रा हमें समथिंग एक्स्ट्रा ऐड करके बताता है किसी वर्ब के बारे में, एडजेक्टिव के बारे में, या तो फिर एक दूसरा एडवर्ब होता है। लेट्स सी फर्दर क्या है। नाउ फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल। फर्स्ट सेंटेंस, द सोल्जर फाइट्स ब्रेवली। सोल्जर फाइट्स ब्रेवली, सोल्जर्स क्या कर रहे हैं, एक्शन कौन सी कर रहे हैं, फाइटिंग की। ओके, फाइट्स इज द एक्शन, सो ये क्या है, वर्ब है। ओके, देन सोल्जर फाइट्स ब्रेवली, वो कैसे फाइट कर रहे हैं, ब्रेवली, तो ये इसके बारे में बता रहा है वर्ब के, कैसे हो रही है फाइट एकदम ब्रेवनेस के साथ। ओके, तो ये ब्रेवली। इन दिस सेंटेंस द वर्ब फाइट्स, वर्ब मैंने बताया कौन सा वर्ब है, फाइट्स, इज मॉडिफाइड विथ ब्रेवली। फाइट को एक्स्ट्रा मीनिंग के साथ हमने लिखा है ब्रेवली। ओके, नेक्स्ट, द कोयल सिंग्स स्वीटली। कोयल कैसे गाती है, स्वीटली। इन दिस सेंटेंस वर्ब कौन सा है, एक्शन, सिंग्स इज द एक्शन, सो वर्ब हियर इज सिंग, इज मॉडिफाइड विथ स्वीटली। Similarly, in the third sentence, he plays football well. Here, ये क्या कर रहा है, play. Okay? So, in this sentence, verb plays is modified with well. He run very fast. He run very fast. In this sentence, the verb ran is modified with the fast. Number fifth, the train moved slowly. In this sentence verb कौन सा है, moved, is modified with slowly. Okay, तो अभी हमने ये सेंटेंस पढ़े, एग्जाम्पल, इससे हमें एक ही चीज माइंड में आई कि एक वर्ब है उसको फर्दर मॉडिफाई करके उसके लिए कुछ बोलना, वो किसका काम है, एडवर्ब का। तो इन शॉर्ट एडवर्ब की डेफिनेशन क्या हुई, An adverb is written with the word it modifies. जिस word को वो modify करता है उसके साथ ही वो आता है. Okay, clear? चलो next. Now there are kinds of adverbs. कौन से, कितने kinds के adverbs हैं? Let's see. Manner, time, interrogative, degree, place, frequency and relative. This all are kinds of adverbs. We will see this one by one. Okay? Now, let's study first. Adverbs of manner. An adverb of manner. ये word आपको manner मतलब उसका way. वो word ही आपको बताता है कि किस way में होगा. Adverbs of manner. उसकी manner कैसी होगी? An adverb of manner tell us how or in what manner an action takes place. किस वे में वो एक्शन
अकर होती है. ओके और हैज बीन डन. दिस एडवर्ब्स आंसर द क्वेश्चन हाउ. ये एडवर्ब ऑफ मैनर फाइंड करने के लिए हमें क्या पूछना है, हाउ हाउ दिस एक्शन इज परफॉर्म्ड. ओके तो आंसर क्या आएगा, नाइसली. ओके तो नाइसली क्या होगा, एडवर्ब ऑफ मैनर. चलो लेट्स सी. एडवर्ब ऑफ मैनर आर डिराइव्ड फ्रॉम एडजेक्टिव. एडवर्ब ऑफ मैनर कहाँ से हम लोग, उसका बेस क्या है, एडजेक्टिव्स एंड और उसका एंडिंग जनरली किससे होता है, एल वाई. लास्टली लास्ट वर्ड वर्ड है, लास्टली टू लेटर्स होते हैं एल वाई. ओके लेट्स सी सम एग्जाम्पल. ईजीली क्लियरली लकीली हैप्पीली सैडली क्विकली स्लोली एंड सो ऑन. सो इन शॉर्ट आपको हाँ ये ब्लू कलर बॉक्स में जो दिया है वो मार्क एज इम्पोर्टेंट वो आपको थरो करना है, मतलब अच्छे से रीड करना है. एन एडवर्ब ऑफ मैनर इज प्लेस्ड, कहाँ पे आती है एडवर्ब ऑफ मैनर, उसकी पोजिशन बताइए. आफ्टर द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इफ देर इज वन और आफ्टर द वर्ब. अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिया है तो उसके तुरंत बाद, अगर वर्ब दिया है तो उसके तुरंत बाद एडवर्ब ऑफ मैनर आता है. ओके लेट्स सी फॉलोइंग एग्जांपल्स. दीज आर एग्जांपल्स ऑफ एडवर्ब ऑफ मैन. लेट्स सी हियर द ओल्ड मैन वॉक्स. वॉक्स मतलब वो एक्शन हुई तो ये वर्ब आया, वर्ब के तुरंत बाद आता है स्लोली. कैसे वॉक कर रहा है, स्लोली. ओके आई होप आपको ये समझ में आ रहा है किस मैनर में वो वॉक कर रहा है, तो एकदम स्लोली. ठीक है. नंबर टू द क्रोकोडाइल एक्टेड फुलिशली. द करण गेट्स अप. गेट्स अप उठने भी एक, उठना भी एक एक्शन होती है. कैसे उठता है, क्विकली इन द मॉर्निंग. द बॉय टेक्स बाथ रेगुलरली. शी राइट्स नाइसली. शी राइट्स नाइसली. ओके नाउ एडवर्ब ऑफ मैनर आंसर द क्वेश्चन हाउ. तो हाउ पूछो इसको, हाउ शी राइट्स नाइसली. ओके चलो अभी नाउ सेकेंड इज एडवर्ब ऑफ प्लेस. एन एडवर्ब ऑफ प्लेस टेल्स अस वेर और एट विच प्लेस एन एक्शन टेक्स प्लेस. कहाँ और कौन सी जगह पे. ओके ये एक्शन बनी, ये एक्शन हुई है. ठीक है प्लेस बताते हैं. एन एडवर्ब ऑफ प्लेस्ड इज प्लेस्ड आफ्टर द मेन वर्ब और आफ्टर द ऑब्जेक्ट. ये जो वर्ड होता है वो कहाँ आते हैं, या तो मेन वर्ब के बाद में या तो फिर ऑब्जेक्ट के बाद में. ओके हियर आर सम एग्जांपल ऑफ एडवर्ब ऑफ प्लेस के कौन से वर्ड्स आ सकते हैं. तो लेट्स सी हियर there, up, down, above, below, out, anywhere, across and so on. Okay, let's see in example. She could not find her book anywhere. उसको अपनी बुक कहीं पे भी नहीं मिली. Anywhere मतलब adverb of place. दिखा रहा है ना. Okay, चलो. Some people are sitting under the tree. उसकी पोजिशन बताइए, प्लेस बताइए कि कहाँ बैठे हैं, तो ट्री के अंडर. ओके द गेस्ट वेंट अपस्टर. प्लेस लोकेशन बताइए कि कहाँ, अपस्टर ऊपर गए हैं. ओके सो हियर द वर्ड्स अपस्टर अंडर एंड एनीवेयर ये क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस. नाउ सैम वेंट देयर टू सर्च हिज मोबाइल फोन. सैम कहाँ गया था, वहां पे. ओके तो अगेन प्लेस बताइए. द कार इज पार्क्ड हियर. कहाँ कार पार्क करी थी, इधर. ओके नाउ लेट्स रिमेम्बर. हमें क्या रिमेम्बर करना चाहिए, अगर हमें एडवर्ब ऑफ प्लेस फाइंड करना है तो क्या क्वेश्चन पूछना चाहिए. यस एडवर्ब ऑफ प्लेस आंसर द क्वेश्चन वेयर. तो वेयर इज कार पार्क्ड. ओके हियर Likewise, ठीक है. चलो अभी नाउ थर्ड एडवर्ब ऑफ टाइम. नाउ इट्स इंडिकेट्स द टाइम. एन एडवर्ब ऑफ टाइम टेल अस व्हेन.
और एट व्हाट टाइम एन एक्शन टेक्स प्लेस। सब में देखो तीन देखे हम, तीनों ने, तीनों में एक कॉमन चीज क्या थी कि एक्शन, मैनर में एक्शन किस वे में हुई थी वो एडवर्ब ऑफ मैनर। सेकंड, एक्शन कहाँ हुई थी, तो अगर प्लेस आंसर आती है तो एडवर्ब ऑफ प्लेस। नाउ थर्ड इज एडवर्ब्स ऑफ टाइम, मतलब जो कि एक्शन किस टाइम पे हुई है वो कौन बताएगा, एडवर्ब्स ऑफ टाइम। ओके, आई होप आपको ये सब क्लियर हो रहा है। ओके, एन एडवर्ब ऑफ टाइम टेल अस व्हेन और एट व्हाट टाइम एन एक्शन टेक्स प्लेस। तीनों में एक्शन कॉमन है। सम एग्जाम्पल ऑफ एडवर्ब ऑफ टाइम्स आर नाउ, देन, बिफोर, येट, सून, यस्टरडे, स्टिल, जस्ट, ऑलरेडी एंड सो ऑन। एन एडवर्ब ऑफ टाइम इज प्लेस्ड एट द बिगिनिंग और एंड ऑफ द सेंटेंस। एडवर्ब ऑफ टाइम की प्लेसमेंट कहाँ होती है, या तो फिर बिगिनिंग में होती है या तो फिर एंड में होती है। ओके, लेट्स सी फॉलोइंग एग्जाम्पल्स। दे वॉन द फुटबॉल मैच यस्टरडे, वो फुटबॉल मैच कब जीते थे, यस्टरडे मीन्स द डे बिफोर, तो यस्टरडे उसको टाइम बता रहा है कि कब हुए थे। ओके, सो यस्टरडे इज अगेन द एडवर्ब ऑफ टाइम्स। ओके, नाउ लेट्स सी नेक्स्ट, शी हैज ऑलरेडी फिनिश्ड हर होमवर्क, कि उसने पहले से ही अपना होमवर्क कंप्लीट कर दिया है, तो ऑलरेडी also indicates the adverb of time. Okay, now number 3, the plane will land soon, plane abhi thodi der mein land ho jayega. The doctor came immediately, to ye sab time indication hai ki abhi, kal, thodi der mein. Okay, the school will open tomorrow. Okay, to ye sare words jo blue marked hain blue color mein, wo kya indicate karte hain, adverb of time. ओके, नाउ लेट्स सी नंबर, यस, ब्लू बॉक्स इज हियर, यस, एडवर्ब ऑफ टाइम क्या क्वेश्चन पूछने से आएगा, तो आएगा व्हेन, व्हेन विल बी द प्लेन टेक ऑफ। ओके, व्हेन विल द स्कूल रीओपन्स। ओके, एंड फिर आता है फोर्थ, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, क्या आता है, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। Adverbs of frequency answer the question how often, frequency मतलब frequency दिखाएंगे कि कितनी बार, कितनी जल्दी, कितने times। Okay, चलो let's see, how often, how frequently an action takes place, कि action कितनी बार होती है, कि कम होती है, कि बहुत ज़्यादा होती है suddenly। Okay, let's see some examples of adverbs of frequency are always, often, sometimes, rarely, never, twice, ever, again, seldom, occasionally and so on। तो ये सारे अगर words आते हैं तो वो कौन सी adverbs में आएगी, कौन से type में आएगी, adverbs of frequency में। Okay, let's see the following examples, she rarely loses temper, rarely means कभी कभार, कभी कभार वो उसको गुस्सा आ जाता है। दे समटाइम्स गो टू बीच फॉर पिकनिक, वो कभी कभार बीच पे पिकनिक मनाने जाते हैं। ही ऑफन मेक्स मिस्टेक, मतलब उसका रेगुलरली उसका मिस्टेक करना, मिस्टेक करता ही है। आई ब्रश माई टीथ ट्वाइस अ डे, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट्स। तो ये जो भी वर्ड्स दिए हैं ब्लू कलर में वो सब क्या बताते हैं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ओके, सो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या पूछने से हमको मिलेगा, तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आंसर द क्वेश्चन हाउ ऑफन। ओके, नाउ लेट्स सी नंबर 5, इंटरोगेटिव एडवर्ब्स क्या है, इंटरोगेटिव एडवर्ब्स, इंटरोगेटिव वर्ड्स आए मतलब आपके माइंड में क्लियर होगा कि क्वेश्चंस। ओके, लेट्स सी, एन इंटरोगेटिव एडवर्ब इज यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चंस। एन इंटरोगेटिव एडवर्ब कैन बी प्लेस्ड बिफोर और आफ्टर द वर्ब, वर्ब के या तो फिर पहले आते हैं या तो फिर उसके बाद। ओके, ये जो इंटरोगेटिव एडवर्ब्स का जो वर्ड होता है वो।
चलो नाउ लेट्स सी, व्हेन डू यू डू योर होमवर्क। ओके, तो ये व्हेन डू यू डू योर होमवर्क इंटरोगेटिव एडवर्ब है, बट क्या पूछा है, टाइम पूछा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, वेयर हैव यू पार्क्ड योर कार। तभी वेयर आया, तुमने किस जगह पे कार पार्क की है, तो प्लेस। ओके, हाउ फार इज योर स्कूल फ्रॉम हियर, तुम्हारा स्कूल यहाँ से कितनी दूर है। डिग्री, डिग्री हम लोग आगे देखते हैं, बाकी ये तो हमने तो देख लिए। नाउ नंबर फोर्थ, व्हाई इज देयर सो मच ऑफ नॉइज। तो इसका आंसर क्या होगा कि हम लोग एक पर्टिकुलर रीजन देते हैं ना, कि हम लोग मैम पूछते हैं व्हाई वेर यू एब्सेंट यस्टरडे, तो आप यस और नो आंसर नहीं दोगे, उसका एक रीजन आप बताओगे कि आई वॉज एब्सेंट यस्टरडे बिकॉज ऑफ दिस दिस रीजन। ओके, तो वही रीजन आएगा इसमें। नाउ फिफ्थ, हाउ डिड शी लर्न टू डांस। किस, हाउ डिड शी लर्न टू डांस, उसने डांस कैसे सीखा, स्लोली फास्टली। ओके, चलो नाउ इंटरोगेटिव एडवर्ब्स आर डब्ल्यू एच क्वेश्चंस। तो ये सारे डब्ल्यू एच हैं, वो सब किस में आएंगे, इंटरोगेटिव एडवर्ब्स। प्लस अगर उसको इंटरोगेटिव एडवर्ब्स के अलावा पूछे जाते तो आप क्लासीफाई कर सकते हो। ठीक है, चलो भी नेक्स्ट इज सिक्स्थ वन, रिलेटिव एडवर्ब्स। रिलेटिव एडवर्ब्स आर व्हेन, व्हाई, वेयर। कौन से हैं रिलेटिव, when, why and where, they are like relative pronouns. Relative adverb किसके जैसे हैं, थोड़े थोड़े relative pronouns के जैसे हैं, तो हमने पहले कर चुके हैं। They refer back to the antecedent which is the word being described and also join clauses. क्या है कि पहले की जो एक्शन है उसके बारे में हमें बताया गया है दूसरे में, और वो दो सेंटेंस को जॉइनिंग कर जॉइन करने के लिए भी यूज होता है। दो सेंटेंस को रिलेट करने के लिए एक एडवर्ब इधर यूज होता है। तो हमने देखे कौन से हैं रिलेटिव एडवर्ब्स, व्हेन, व्हाई एंड देयर। चलो लेट्स सी एग्जांपल, शी वेंट टू द स्कूल वेयर शी हैड स्टडीड अर्लियर। देखो ये सेंटेंस, इस सेंटेंस, ये दूसरा सेंटेंस फर्स्ट के साथ रिलेटेड है, तो इन दोनों को लिंक एक साथ जोड़ने के लिए रिलेटिव एडवर्ब यूज हुआ है वेयर, कि वो उस स्कूल में गई थी जहां, मींस वेयर उसने पहले अपनी स्टडी कंप्लीट की है। ओके, ही नेवर टेल्स व्हाई ही लाइज अबाउट मनी। वो कभी नहीं बताता क्या कि मनी के बारे में वो झूठ बोल रहा है। ही नेवर टेल्स व्हाई ही लाइज अबाउट मनी, वो कभी नहीं बताता है कि मनी के बारे में वो झूठ बोल रहा हो। ओके, लेट्स सी नाउ नंबर थ्री, रीटा रिमेंबर्स द डे व्हेन शी लर्न टू डांस। रीटा को क्या याद आया, उसको क्या याद आया कि जब उस वो अपने टाइम पे डांस सीखी थी, वो टाइम उसको याद आया। ओके, सो हियर द वर्ड व्हेन लिंक्स टू गेदर। ओके, चलो नेक्स्ट, सेवेंथ इज एडवर्ब्स ऑफ डिग्री। ओके, एन एडवर्ब ऑफ डिग्री आंसर दिस क्वेश्चन, हाउ मच, टू व्हाट एक्सटेंट, टू व्हिच डिग्री। Some examples of adverbs of degree are, कौन से words use होते हैं, तो they are so, to, just, nearly, quite, really, almost, barely, enough, hardly, only, extremely, entirely and fairly. Okay, ये सारे words use होते हैं adverb of degree में। Okay, let's see, remembers this blue box. The adverbs of degree are placed before an adjective, a verb or a adverb. Adverbs of degree कहाँ use होते हैं, adjective के पहले, या तो फिर verb के पहले, या तो फिर an adverb के पहले। Okay, let's see. The sun is extremely hot. The cell phone is fairly cheap. The glass was nearly full.
They were really trying their best. The boy is quite strong. She writes quickly. Okay, तो ये सारी है adverbs of degree. Now, अब formation of adverbs. Now, formation of adverbs. Okay, adverbs can be formed by adding ly to adjectives. Adjectives में पीछे ly अगर हम लोग add करते हैं, then they will form a adverb. Okay, let's see. By adding ly to adjective, adjectives दिए हैं, उसमें पीछे ly add करने से वो क्या बनते हैं? Adverb बनते हैं. ओके चलो ग्लैड ग्लैडली काइंड काइंडली ये एडजेक्टिव्स हैं उसमें हम लोग ly ऐड करते हैं तो क्या बनते हैं एडवर्ब्स बनते हैं जैसे कि क्लेवर तो क्लेवरली ओबीडिएंट ओबीडिएंटली ब्यूटीफुल ब्यूटीफुली नाइस नाइसली ओके नाउ हमने देखे एडजेक्टिव में से एडवर्ब बने बट नाउ एडवर्ब्स नाउन में से भी हम लोग को एडवर्ब बनाने हो तो हमें सिंपली क्या ऐड करना है पीछे ly किस में ऐड करना है नाउन तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि एडजेक्टिव में अगर हम ly ऐड करते हैं तो क्या बनता है एडवर्ब्स बनते हैं सिमिलरली इफ वी ऐड ly to the noun, nouns में ly add करो तो भी क्या बनता है adverb. Okay, let's see. Month, if we add ly at the end, is monthly. Day, daily. Hour, hourly. Week, weekly. Fortnight, fortnightly. Year, yearly. Okay? Sorry, now let's see further. Adverbs can be formed by adding ly to the participle. अभी participles भी हमें दिए हैं अगर हम उसमें ly add करते हैं तो भी क्या बनेगा adverb ही form होगा amazing amazingly exciting exceedingly fixed fixedly worried worriedly loving lovingly willing willingly okay Now, next, अभी ऐसे adverbs, अगर हमें adverbs बनाने हैं, can be formed by adding prefix. Prefix मतलब पहले, word के starting में, क्या add करें? A, to the nouns. अगर हम nouns में आगे की और क्या add करते हैं? A, तो क्या form होते हैं? Adverbs. Okay, like this. A is added to the noun sleep. ओके तो असलीप हो गया तो ये क्या हो गया एडवर्ब मीनिंग चेंज नहीं होता है बेटा ओके सिर्फ वो नाउन में से क्या बन जाता है एडवर्ब ब्लेस अब्लेस हेड अहेड बोर्ड अबोर्ड वे अवे देखो यहाँ पे मीनिंग चेंज हुआ यहाँ पे भी हुआ ओके सो समवेयर मीनिंग्स आल्सो चेंजेस पार्ट अपार्ट Now, next. Here, adverbs can be formed by prefix a to the adjective. जैसे हमने noun में आगे a prefix a add किया, वैसे अगर adjective में भी हम लोग a add करते हैं, तो क्या बन जाते हैं adverbs? Okay, अभी adjectives दिए हैं. Fresh, afresh, loud, aloud, bored, abroad, round, around. Long, along, like, alike. Okay? Chalo, next. Adverbs can be formed by adding prefix A to the verbs. Abhi verbs mein bhi hum log aage A add kar rahe hain. Toh wo kya ban jate hain? Adverbs. Cross, to A hume prefix aage add karna hai. Toh kya ban gaya? Across, ago, arise. Okay? Similarly, adverbs can be formed by adding, abhi humne क्या लिखा आगे ly ऐड करो ly ऐड किया फिर एट द एंड मीन्स सफिक्स प्रिफिक्स यानी कि पहले a ऐड करके हमें
एडवर्ब्स बनाए. ओके अभी नाउ आता है कि बी हमें प्रिफिक्स क्या लगानी है. बी कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो आगे बी ऐड करो तो क्या बनते हैं, एडवर्ब्स. ओके चलो जैसे कि हिंड, बिहाइंड, लो, बिलो, फोर, बिफोर, ली, बिलीव, बिसाइड्स, बिकॉज. तो ये सब क्या फॉर्म किए हमने, एडवर्ब्स. ओके नाउ लेट्स सी एक्सरसाइज वन बाय वन. ओके आई विल बी परफॉर्मिंग वन और टू सेंटेंस फॉर यू एंड यू हैव टू परफॉर्म द रेस्ट ऑफ द एक्सरसाइज. ओके लेट्स यूज द एडवर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स. ब्रैकेट में एक वर्ड दिया है जो क्या है, एडवर्ब है. उसको सेंटेंस में यूज करने एट द करेक्ट प्लेस, उसकी प्रॉपर प्लेस पे उसको एडजस्ट करके सेंटेंस फिर से लिखना है. ओके सो नंबर वन, हिज फैमिली हैज लेफ्ट फॉर द एयरपोर्ट. ओके तो ब्रैकेट में कौन सा एडवर्ब दिया है, जस्ट. तो जस्ट का अंत है वर्ब के बाद. हिज फैमिली हैज लेफ्ट फॉर द एयरपोर्ट, तो कहाँ आएगा, हिज फैमिली हैज जस्ट लेफ्ट फॉर द एयरपोर्ट. सो हियर हिज फैमिली हैज जस्ट लेफ्ट फॉर द एयरपोर्ट. ओके सिमिलरली नेक्स्ट, करण एंड हिज सिस्टर कैन स्पीक फ्रेंच वेल. नाउ हियर द एडवर्ब गिवन इज फेयरली. ओके तो करण एंड हिज सिस्टर कहाँ आएगा, फेयरली. ओके तो यहाँ पे कहाँ है वर्ब, स्पीक. तो कैसे आएगा, करण एंड हिज सिस्टर कैन फेयरली स्पीक फ्रेंच वेल. ओके तो आप सोचो कि फेयरली वर्ड हम लोग कहाँ यूज कर सकते हैं, वर्ब के पहले. तो यहाँ पे वर्ब ये है. ओके द करण एंड हिज सिस्टर कैन स्पीक फ्रेंच फेयरली वेल. ओके तो करण एंड हिज सिस्टर कैन स्पीक, सॉरी एफ कैपिटल बिकॉज इट्स अ लैंग्वेज, सो फ्रेंच फेयरली वेल. ओके लाइकवाइज यू हैव टू परफॉर्म द रेस्ट ऑफ द एक्सरसाइज. नाउ नेक्स्ट इज बी, ही राइट द फॉलोइंग एडवर्ब्स और एडवर्ब फ्रेजेस इन द रिस्पेक्टिव कॉलम्स. हमने अभी देखे एडवर्ब्स, काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स देखे, तो उसमें से कुछ काइंड्स दिए हैं जैसे टाइम, प्लेस, फ्रीक्वेंसी, मैनर एंड डिग्री. तो आपको ये टेबल में से एक एक वर्ड रीड करना है और वो कौन सी कैटेगरी में आता है वो आपको फाइंड करके लिख लेना है. जैसे है क्लियरली, तो क्लियरली है तो टाइम में आएगा, प्लेस में आएगा, फ्रीक्वेंसी में आएगा, मैनर में आएगा कि डिग्री में आएगा. ओके तो जनरली क्लियरली तो वो आएगा उसकी मैनर में. ओके तो रेस्ट आपको ऐसी वे में आपको करने हैं. ठीक है चलो अभी देखते हैं नेक्स्ट. नाउ नेक्स्ट इज कंपैरिजन ऑफ एडवर्ब्स. क्या है कंपैरिजन ऑफ एडवर्ब्स. एडवर्ब्स हमने कंपैरिजन देखी है, हमने कंपैरिजन डिग्रीज, फॉर्मेशन ऑफ डिग्रीज देखी है. तो उसी बेस पे ये दिया है कि एडवर्ब्स के कंपैरिजन. यू नो दैट वी एड ईआर एंड ईएसटी टू द एडजेक्टिव. एडजेक्टिव्स में हम ईआर एंड ईएसटी ऐड करते हैं फॉर फॉर्मिंग देयर कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखी है. Similarly, we add er and est to the adverb. Adverb में भी इसका कंपेरेटिव फॉर्म बनाना हो तो हम पीछे क्या ऐड करते हैं, er and. Similarly, adverb का ही हमें superlative करना हो तो we will add est at the end. Okay, let's see for example. Wise,
कंपेरेटिव करना हो तो ईआर ऐड करो, सुपरलेटिव करना हो तो ईएसटी, वाइस वाइसर वाइसेस्ट, फास्ट फास्टर फास्टेस्ट. रिमेंबर द एड दैट एडवर्ब्स ऑफ टू और मोर सिलेबल्स डू नॉट टेक ईआर एंड ईएसटी, दे ऐड मोर एंड मोस्ट टू द फॉर्म देयर कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज. तो एडवर्ब्स टू और मोर सिलेबल्स के होते हैं, वहां पे ईआर हम ऐड नहीं करते हैं. ओके, लेट्स सी फॉर एग्जांपल, शी पेंटेड द पिक्चर ब्यूटीफुली, हर सिस्टर पेंटेड द पिक्चर मोर ब्यूटीफुली. ओके, हर ब्रदर पेंटेड द पिक्चर मोस्ट ब्यूटीफुली. ओके, चलो, इन सर्टन केसेस मोर एंड मोस्ट आर नॉट यूज्ड. अभी कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हमने डिग्री के टॉपिक में हमने कर लिए हैं, बट ये तो आपका रिवीजन के थ्रू हो रहा है, इसीलिए कि मोर एंड मोस्ट कहीं जगह पे यूज हम नहीं करते हैं. ओके, फॉर एडवर्ब्स, बट वी हैव डिफरेंट वर्ड्स फॉर कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव वर्ड्स. जहाँ पे ईआर एंड ईएसटी नहीं आए, वहाँ पे हमने मोर एंड मोस्ट यूज किया, दो सिलेबी हैं. तो फिर अगर मोर एंड मोस्टली नहीं यूज होते हैं तो वो पूरा वर्ड ही चेंज होता है. लेट सी दोज वर्ड्स, दैट पॉजिटिव इज बैड, द कंपेरेटिव ऑफ बैड इज वर्स एंड द सुपरलेटिव इज वर्स्ट. गुड बेटर बेस्ट, लिटल लेस लिस्ट, मच मोर मोस्ट. ओके, सिमिलरली नीचे एक जो एक्सरसाइज दी है पॉजिटिव कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव की, जिस वे में ये दिया है उसी वे में आपको ये भी कंप्लीट करनी है. ओके, चलो अभी, नाउ नेक्स्ट इज वर्किंग जोन. फिल इन द ब्लैंक्स विद द टी एडवर्ब्स दैट आर ऑपोजिट इन मीनिंग टू द वंस गिवन इन द ब्रैकेट. ओके, ऑपोजिट्स आपको लिखने हैं. चलो, इट इज डिफिकल्ट टू टॉक, क्या है, इट इज डिफिकल्ट टू टॉक, सॉरी, यहाँ पे आपको मीनिंग्स ब्रैकेट में जो दिया है उसका ऑपोजिट मीनिंग यहाँ पे लिखना है. ओके, चलो, नाउ इट इज डिफिकल्ट टू वॉक डैश फॉरवर्ड दिया है, तो फॉरवर्ड मीन्स आगे जाना, तो उसका ऑपोजिट क्या आया, पीछे, बैकवर्ड. ओके, इट इज डिफिकल्ट टू वॉक बैकवर्ड्स. ओके, सिमिलरली सारे ऑपोजिट्स आपको खुद ट्राई करने हैं, एटलीस्ट एक या दो, आपको दो तो आएंगे. ओके, आप ट्राई करो. ओके, चलो नेक्स्ट, नाउ राइट द एडवर्ब्स एंड देयर काइंड्स ऑन द ब्लैंक्स. आपको यहाँ से एडवर्ब सेंटेंस में से सेंटेंस रीड करना है, एडवर्ब फाइंड करना है. ओके, सपोज ये वाले सेंटेंस में आपने एक एडवर्ब अंडरलाइन कर दिया, फाइंड किया, तो वो एडवर्ब आप इधर लिखो. एडवर्ब लिखने के बाद आपको उसकी काइंड बतानी है. हमने अभी काइंड्स पढ़ी कि कौन सी काइंड में वो आता है, जैसे कि अरुण गोज फॉर हिज योगा क्लासेस एवरी डे. अरुण योगा क्लास जाता है हर रोज, तो एवरी डे इज द एडवर्ब, तो वो मैंने लिखा इधर. एवरी डे कौन सी काइंड में है, तो टाइम बता रहा है ना, एवरी डे, तो फिर आता है एडवर्ब ऑफ टाइम. ओके, सिमिलरली आपको ये भी करना है. नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज दी है, सी मेक एडवर्ब्स ऑफ द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स वन हैज बीन डन फॉर यू. यहाँ पे क्या दिया है आपको, ब्यूटीफुल दिया है, एक एडवर्ब एडवर्ब्स बनाना है, एडजेक्टिव्स दिए हैं, एडवर्ब बनाना है, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, वैसे ही आपको ट्राई करना है. अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी एक्सरसाइज डी, फिल इन द ब्लैंक्स विद द कंपेरेटिव डिग्रीज ऑफ एडवर्ब्स. कंपेरेटिव डिग्री बनानी है, एडवर्ब्स दिए गए हैं उसकी कंपेरेटिव डिग्री बनानी है. लेट्स सी, लेट्स परफॉर्म वन फॉर यू. नंबर वन, शी थिंक्स शी इज गोइंग टू मिस हर बस. शी हैज टू टॉक फास्ट दिया है पॉजिटिव डिग्री में, आपको किसमें कन्वर्ट करना है, कंपेरेटिव डिग्री में. तो क्या आएगा फास्ट का कंपेरेटिव, फास्टर. ओके, सिमिलरली ही हैड डन वेल बट ही कुड नॉट डू गुड का
कंपेरेटिव होता है बट यू कुड नॉट डू बेटर. ओके, इसी वे में आपको यहाँ पे क्या लिखना है, कंपेरेटिव डिग्री लिखनी है जो भी आपको एडजेक्टिव्स एडवर्ब्स दिए गए हैं उसकी. ओके, चलो नेक्स्ट इज एक्सरसाइज नंबर ई. फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट एडवर्ब्स गिवन इन द बॉक्स. यहाँ पे एडवर्ब्स आपको डायरेक्ट दिए गए हैं, फिल इन द ब्लैंक्स रीड करो और जो अप्रोप्रिएट एडवर्ब हो वहां पे वो लिखो. ओके, चलो बाय, टेक केयर.